दिनचर्या में एक तो हम काल भोजनम आरोग्य कराना, समय से खाना खाना, अभी एक छोटी सी बात। अब ये मैं 5-7 बातें बहुत गहरी जो मैंने स्वयं अनुभव की, अपने बड़ों से सुनी और शास्त्रों में पढ़ी, शास्त्रों के सूत्र हैं ये, जीवन के अनुभव हैं ये, और वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रमाणित सत्य हैं ये। समय से भोजन करें। वैसे आजकल 4 बार खाने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 3 बार खाना खाएं। नाश्ता हल्का लें, जिसका जैसा सामर्थ्य है, बच्चे हैं, पहलवान हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत अधिक विद्या के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले लोग हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार सुबह नाश्ता, प्रातः राक्षस को बोला जाता है, उसमें दूध है, दलिया है, खिचड़ी है, अंकुरित सबसे अच्छा होता है। वैसे मैं कहूँगा एक जैसा नाश्ता नहीं लेना चाहिए। कभी नाश्ते में आप ओट्स लीजिए, कभी खिचड़ी दही लीजिए। बहुत ही ज़्यादा जिनको खाने में रुचि होती है तो 15 दिन में, महीने में 1-2 बार पराठे खा लीजिए। किसी किसी को रुचि होती है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। वैसे मैं पराठे का पक्षधर व्यक्ति नहीं हूँ, स्वयं भी नहीं खाता हूँ। और यदि आप मेरा पूछते हैं तो मैं तो सुबह उठ करके गिलोय लेता हूँ। वैसे सबसे पहले उठते ही आंवला एलोवेरा का जूस गर्म पानी में मिला करके पीता हूँ। वो बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए, एनर्जी के लिए, और हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, होज, अष्ट धातुओं की पुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। आंवला रसायन है, घृत कुमारी भी आयु को बढ़ाने वाला है, मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत करने वाला है। तो आंवला एलोवेरा जूस सुबह उठ करके पानी से ले लिया करें, गिलोय पिया करें। नाश्ता में कह रहे थे एक जैसा ना करें, कभी अंकुरित ले लिया, कभी कोई फल ले लिया, कभी पपीता ले लिया। वैसे मैं कहता हूँ जिनको थोड़ी पेट की तकलीफें रहती हैं वो अनार सुबह सुबह खाएं। मैंने ऐसे लाखों लोगों को अनार खिलाया, अनार सुबह खाली पेट एक बार ले लें तो कितने ही बीमार हो। मैं बचपन से सुनता था एक अनार 100 बीमार, ये सच कह रहा हूँ आपसे। जिनको भी किसी भी तरह के डाइजेशन की प्रॉब्लम है उससे उठ करके अनार लिया करें। अनार के साथ और भी कोई फल उनको इच्छा है तो ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, दूसरे जो भी फल आपको रुचिकर हो ले सकते हैं। कुछ लोग नारंगी लेते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, जैसे जिसका सामर्थ्य हो वैसा ले लिया करें। जिनको बादाम ना मिले मूंगफली भिगो के ले लो। मूंगफली भिगोने के बाद में उसकी गर्मी भी नष्ट हो जाती है, और बादाम और मूंगफली के गुणों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस रेट का अंतर है। जैसे सेब बहुत महंगा होता है, केला सस्ता होता है, लेकिन सेब और केले के गुण बराबर है, अमरूद के गुण बराबर ही हैं। गरीब लोग अमरूद और केला खा लेते हैं, अमीर लोग सेब खाते हैं। ये तो खाली गांव की भाषा में बोलते हैं कि पैसे के चौसले, मैंने पैसे वालों के लिए ये बातें कि हम इतना 100 रुपये, 200 रुपये किलो का हम ये फल खा रहे हैं, ये साग सब्जी खा रहे हैं। साधारण चीज़ों से भी आपको पूरी ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन बदल बदल करके करें नाश्ता, एक जैसा ना करें। दालें एक जैसी ना खाएं, तेल एक जैसे ना खाएं, इसलिए अलग अलग तेलों की, और वो भी नेचुरल ऑयल्स के, हमने आपको उपलब्ध करा, विकल्प उपलब्ध कराए। दालें भी एक जैसी नहीं खानी चाहिए। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ कि उड़द की दाल खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। कई जगह जो है अरहर की दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अलग अलग कोई मलका ज़्यादा खाते हैं, कोई चने की दाल ज़्यादा खाते हैं। एक जैसी दाल नहीं खानी चाहिए, दालें बदल बदल के। अनाज भी एक जैसा नहीं लेना चाहिए। जैसे हम बचपन में ही बाजरे की रोटी और दही खा करके बड़े हुए, सुबह सुबह रोज़ यही नाश्ता यही होता था। माताजी काम करते रहते थे, बासी बाजरे की रोटी करीब साल में 8 महीने और दही, यही हम खा करके बड़े हुए। इसलिए यद्यपि मैंने बीच में तो करीब लगभग कितने वर्षों तक, 18-20 वर्षों तक अनाज लिया ही नहीं, और पहले और अभी भी हमको जैसे ऐसे तो रुचि या कोई ऐसे लालच खाने का कभी हमको रहा नहीं, लेकिन यदि कोई रुचि पूछे तो बाजरे की रोटी और दही, और वैसे पौष्टिक भी है, लेकिन मैं कहूँगा एक जैसा नहीं। कभी बाजरा, कभी मकई, कभी ज्वार, फिर हमने तो नवरत्न आटा दिया है, नव अनाज मिले, वो खाना चाहिए आपको।
या आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपसे कहना चाह रहा था, तेल बदल बदल के, दालें बदल बदल के, अनाज बदल बदल के, शाक सब्जियां बदल बदल के खाने चाहिए, जैसा जिसका सामर्थ्य हो, जैसी जिसको उपलब्धता हो। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, सुबह दही, दोपहर को छाछ और रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। दूध के साथ नमक वाली कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, खाना चबा चबा के खाना चाहिए, उससे बहुत अच्छा रहता है आरोग्य के लिए। ये कुछ सामान्य नियम बताए। खाते समय ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, यदि मौन रहें तो बहुत अच्छा है, और खाते समय तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे हमारे पूरे जिस्म में, हमारे खून में जहर घुल जाता है। गुस्सा कभी ना करें तो बहुत अच्छी बात है, और कभी थोड़ा आ गया तो तुरंत अपने आप को नियंत्रित कर लिया, एकदम हमको बैक गियर लगाना भी आना चाहिए, एकदम अपने आप को नियंत्रित करना आना चाहिए। जीवन में अनुकूलताएँ, प्रतिकूलताएँ, संघर्ष, चुनौतियाँ, लाभ, हानि, जय, पराजय, मान अपमान सब चलता रहता है, एकदम से हमें नियंत्रित करना आना चाहिए। शरीर हमारा और मन हमारा हमारे नियंत्रण में।